मूवी के स्टार्टिंग में हम एक गांव को देखते हैं जहां एक फंक्शन की तैयारी बड़े ही जोर शोर से चल रही थी। उस फंक्शन की सारी जिम्मेदारी जिल नाम के एक लेडी पर होती है क्योंकि वो स्कूल के प्रिंसिपल है। और उसके बाद वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ही 10 बजते हैं गाँव के सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, जैसे उन पे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। और तभी हम देखते हैं कि गाँव की तरफ एक आदमी आ रहा होता है, वो जिल का हस्बैंड होता है। जैसे ही वो गाँव में एंटर करता है वैसे ही वो भी बेहोश हो जाता है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद जैसे ही गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाती है। उस केस की इन्वेस्टिगेशन सुजैन नाम की ऑफिसर करती है। और तभी हम देखते हैं कि उसी गाँव का एक डॉक्टर फ्रैंक वहाँ आता है। वो ठीक होता है क्योंकि वो उस समय वहाँ नहीं था, लेकिन वो परेशान था अपनी वाइफ के लिए। और उसकी वाइफ का नाम बरबरा होता है और वो उस गांव में ही थी। और फिर जैसे ही 4 बजते हैं वो गांव के सभी लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इतना बड़ा हादसा ऐसे तो नहीं हो सकता। इसका असर कुछ दिनों के बाद दिखता है, जहां 10 लेडीज एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। शादीशुदा का तो समझ भी आता है, लेकिन कुमारी लड़की का भी उन्हीं के साथ प्रेग्नेंट होना कोई आम बात नहीं थी। इस बात को लेकर गाँव के कुछ लोग सरकार से लड़ने लगते हैं, क्योंकि ये सब कैसे हुआ सरकार को कुछ नहीं पता चलता। तभी सुजैन कहती है कि सभी प्रेग्नेंट लेडीज का ध्यान सरकार द्वारा रखा जाएगा, उनका सारा ध्यान सरकार रखेगी और इलाज का सारा खर्चा सरकार करेगी। लेकिन डिलीवरी के टाइम एक बहुत अजीब बात होती है कि जो 10 लेडीज प्रेग्नेंट थी वो 5 लड़के और 5 लड़कियों को जन्म देती हैं, लेकिन उनमें एक औरत मिलानिक उसकी बेटी मरी हुई जन्म लेती है। और सुजैन उसकी डेड बॉडी को सबसे छिपाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद जैसे जैसे उन बच्चों की ग्रोथ होने लगती है उनमें वो चेंजेस देखे जाते हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं हो सकते। जिस एज में बच्चे अच्छे से चल नहीं पाते उस एज में जिल का बेटा अपना नाम ले लेता है डेविड। दूसरी तरफ बरबरा अपनी बेटी को सूप देती है जो कि गर्म होता है, वो पी भी नहीं पाती और उसे गुस्सा आ जाता है। और तभी उसकी आंखें ग्रीन होने लगती हैं। और जैसे ही बरबरा उस पे ध्यान देती है तो वो अपना हाथ गर्म पानी में डाल देती है। और ये देख हम समझ पाते हैं ये सब उसकी बेटी ने उससे करवाया है अपने कंट्रोल में करके। लेकिन इसका मतलब उन बच्चों के साथ कुछ तो गड़बड़ है, वो नॉर्मल बच्चे हो ही नहीं सकते। उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, वहाँ फ्रैंक भी होता है। वो उससे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। उस हादसे के बाद वो अपनी ही उलझनों में खो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। और फिर एक दिन वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन फ्रैंक इस बात से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो सारे बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो वो अपना जोड़ा बना लेते हैं, लेकिन डेविड अकेला ही रहता है क्योंकि उसका साथी ही मरा हुआ जन्म लिया था। फिर एक दिन वो सभी बच्चे हॉस्पिटल जाते हैं आई चेकअप के लिए, लेकिन वहाँ एक लड़की की आंखों में ड्रॉप डालते समय उसकी आंखों में लग जाती है और इसका बदला वो उसे कंट्रोल करके उसे उसी के हाथों अंधा बना देते हैं। जिल को लगता है कि इन बच्चों को एक अलग क्लासेस की जरूरत है तो वो फ्रैंक से कहती है उन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेविड जो बाकी बच्चों से अलग है उसके मन में अपनी मॉम के लिए फीलिंग्स अच्छी हैं। और हो सकता है कि ये इसलिए है क्योंकि वो सभी बच्चों में अकेला है, उसका साथी नहीं है। फिर एक दिन वो वहाँ जाता है जहाँ उसके साथी को दफनाया गया था और वहाँ वो मिलानिक को देखता है जो अभी भी अपनी बेटी को याद कर रही थी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर तभी डेविड उसके मन में चल रही बातों को देख लेता है कि मिलानिक अब सुसाइड का सोच रही है। पर तभी वहाँ फ्रैंक आता है और डेविड को मरी हुई लड़की के लिए परेशान होता देख फ्रैंक अपने मन में ही सोचने लगता है कि इतने छोटे होने के बाद भी इसके अंदर कितनी भावनाएं हैं। और फिर वो उन्हें पढ़ाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे वो उनकी क्लास स्टार्ट करने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ फ्रैंक को
जिल अपने ऑफिस में बुलाती है तो वो वहाँ चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ की साफ सफाई करने वाला वहाँ आता है और वो उन बच्चों को बुरा भला कहने लगता है और वो एक बच्चे को मारता भी है, क्योंकि गांव में होने वाली अजीब घटनाओं को जिम्मेदार वो उन्हें ही समझ रहा था, जिसके कारण उन सभी बच्चों को गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब अब वो तो गया। तभी उन सभी की आंखें ग्रीन हो जाती हैं, वो उसे कंट्रोल करने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और तभी वो सफाई वाला ऊपर जाकर वहाँ से कूद जाता है, क्योंकि वो उन बच्चों के वश में हो गया था। उसकी आवाज सुनकर जिल और फ्रैंक बाहर आते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका था। लेकिन इसे मारने में डेविड का कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि जब सारे बच्चे उसे कंट्रोल कर रहे थे तो वो उन सबसे अलग खड़ा था। उसके बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। बारबरा की मौत के बाद फ्रैंक को थोड़ा शक तो था, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये इंसानी बच्चे नहीं हो सकते। फिर वो सुजैन के पास जाता है और जो भी उसके मन में बातें थी उन बच्चों को लेकर वो उनको बता देता है। तब वो कहती है कि प्रॉब्लम बस तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि और भी ऐसे गांव हैं जहां यही प्रॉब्लम आ रही है। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उससे तुम्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है कि ये बच्चे जिन्हें तुम देख रहे हो ये बच्चे नहीं बल्कि एलियन है। लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता तो सुजैन उसे अपनी लैब में ले जाती है और वही उसने मिलानी की बेटी की डेड बॉडी रखी थी जो कि पूरी तरह एक एलियन है। उसके बाद सुजैन कहती है कि जितना तुम सोच रहे हो ये खतरा उससे कई ज्यादा बड़ा है। अब फ्रैंक सुजैन से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात उसने अब तक उससे छिपाई थी। तो सुजैन उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती तो वो बच्चे तुम्हारा माइंड रीड कर लेते और उन्हें सब पता चल जाता, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन वो उससे गुस्सा होता है इसलिए बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो अपनी बेटी को देखता है जो कि एक एलियन है, पर तभी उसकी बेटी कहती है कि अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते और आज से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद वो एक एक करके गांव से दूर एक घर में रहने जाने लगते हैं। जिल भी डेविड को वहाँ छोड़ने आती है, लेकिन उसका मन उसे अकेले छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। वो उससे कहती भी है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढता हुआ वहाँ आता है जो उन्हीं में से एक थी, और जब वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है तभी बाकी बच्चे वहाँ आ जाते हैं और वो उस आदमी को कंट्रोल करके उसे उसी की कार के साथ एक ऑयल टैंक से टकराकर मार देते हैं। दूसरी तरफ हम सुजैन को देखते हैं जो घबराती हुई फ्रैंक के पास आती है और उससे कहती है कि हमें जो भी करना है वो जल्दी ही करना होगा, क्योंकि सरकार को पता चल गया है कि वो बच्चे नहीं बल्कि एलियन है और आर्मी उन्हें मारने के लिए कभी भी आ सकती है। उसके बाद फ्रैंक उन बच्चों को समझाने लगता है लेकिन वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। पर तभी उनमें से एक लड़की फ्रैंक के माइंड को रीड करने की कोशिश करती है। फ्रैंक को भी ये पता चल जाता है और वो समुंदर के बारे में सोचने लगता है, जिससे कि उन बच्चों को कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की डेविड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर इंसानों के लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो ठीक नहीं है, तुम्हें उसे अपने मन से निकालनी होगी। वो बात कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एक आदमी दूर से उस लड़की को अपनी गन से निशाना लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ बच्चे देख लेते हैं और वो उसे कंट्रोल करके उसे उसी की गन से शूट करवा कर मार देते हैं। उसकी मौत के बाद सभी गांव वालों को गुस्सा आ जाता है और उनके एलियन होने का अंदाजा भी उन्हें हो जाता है और वो सभी मिलकर उनको मारने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो बच्चे उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। सारे गांव वाले उनसे कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, लेकिन एक लेडी आगे जाकर उन्हें मारने की बात करने लगती है और तभी सारे बच्चे उसे कंट्रोल कर लेते हैं और उसे उसी के हाथों जिंदा जलवा देते हैं। और दूसरी तरफ डेविड दो बच्चों को सुजैन के पास ले जाता है, क्योंकि उसे अपने साथी के बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ उसे मिलने जाता है। और जब वो सुजैन की लैब में उसे मरा देखता है तो वो रोने लगता है। उसके साथी को उनसे अलग करके यहाँ रखने की वजह से सुजैन को सजा मिलनी थी, वो उसे कंट्रोल करके उसी के हाथों उसका पेट कटवा कर उसे भी मार देते हैं। उसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपनी कार में डायनामाइट रख कर जिल के पास जाता है। वो उसे अपना प्लान बताता है कि वो आज उन सभी बच्चों को
मारने वाला है। तभी वो कहती है कि तुम डेविड को कुछ नहीं करोगे क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग है। ये बात फ्रैंक भी जानता है क्योंकि डेविड के मन की भावना को उसने भी महसूस किया है, लेकिन उसे डर था कि जिल उसका प्लान खराब ना कर दे, इसलिए वो उसे वहीं लॉक करके चला जाता है। और तभी हम देखते कि उन बच्चों को मारने के लिए आर्मी भी वहाँ आ जाती है, लेकिन उन बच्चों की पावर्स के आगे वो टिक नहीं पाते। वो बच्चे उन्हें भी कंट्रोल कर लेते हैं और वो सभी आपस में ही एक दूसरे पर फायरिंग करने लगते हैं और खुद ही एक दूसरे को मार देते हैं। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो उन बच्चों से अलग अकेला होता है और वो थोड़ा डरा भी हुआ होता है। और दूसरी तरफ जिल गेट को तोड़कर डेविड को बचाने के लिए निकल जाती है और फ्रैंक रोजाना की तरह अपने समय पर अपनी क्लास लेने पहुंच जाता है और अपने साथ वही डायनामाइट का बॉक्स भी ले जाता है और उसका टाइम भी सेट कर देता है। डेविड को बचाने के लिए वो उससे कहता है कि मैं कार में एक बुक भूल गया हूं, तो तुम उसे लेकर आओ। वो जाने लगता है पर तभी वहां जिल आ जाती है। उसके अचानक से वहां आने का कारण बच्चे समझ नहीं पाते तो वो उसका माइंड रीड करने लगते हैं, लेकिन ये बात डेविड को अच्छी नहीं लगती तो वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और फ्रैंक जिल को वहां से जाने को कहता है और वो डेविड को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद सारे बच्चे मिलकर फ्रैंक के माइंड को रीड करने लगते हैं, पर तभी वो दीवार के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो उनकी पावर के आगे टिक नहीं पाता और उन्हें पता चल जाता है डायनामाइट के बारे में। पर अब बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें फ्रैंक और वो बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन जिल डेविड को बचा लेती है। और एंडिंग में हम देखते हैं कि डेविड एक कार में बैठा कुछ सोच रहा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।